अगला चार्ट है इंदिरा गांधी जी का पी एम ऑफ इंडिया इनके चार्ट में अगर हम देखे अभी यहां बात आती है प्रोग्रेशन की एक्चुअली प्रोग्रेशन हमने यहां पर हम पूरा प्रोग्रेशन को नहीं कर रहे बट एक मोटी बात बताता हूँ प्रोग्रेशन जुपिटर का अगर हम देखेंगे चार्ट में तो इनके उम्र के छियासठवें साल के अंदर हम इस गणना को गिनेंगे जब हम अपने सफर में चलेंगे इनकी उम्र इनके उम्र के हिसाब से छियासठवे उन्नीस सौ के अंदर उन्नीस सौ में अपनी उम्र से इनके प्रोग्रेशन में का गुरुदेव कैप्रिकॉन में विराजमान होंगे और शनिदेव कैप सेक्रिटेरियस में आएंगे अब इनकी उम्र से अगर आप देखो तो इनकी उम्र से अगर आप देखिए इनका इनका जन्म आई थिंक 1917 में कुछ हुआ था समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग समी वे 1917 में इफ somebody नोज दैट ओके इट्स ओके या 1907 में हुआ था या मैं चेक करूं 1917 में इनका जन्म हुआ था उन्नीस नवंबर उन्नीस सौ में इनका जन्म हुआ था 1917 से लेकर 1966 तक कितना डिफरेंस आ गया करीब 49 नाइन ईयर्स करीब करीब 49 नाइन ईयर्स का देव के सेकंड राउंड ऑफ प्रोग्रेशन में जब गुरुदेव क्रॉस करते हैं तो जीवन में चेंजेस आते हैं ये बिगड़ी का एक रूल है था। ना ना शनि शनि देव के सेकंड ट्रांस प्रोग्रेशन में जब गुरुदेव क्रॉस करते हैं तो इन जीवन में बदलाव आता है जीवन में विजिबल नहीं है नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही अब आ गई है अच्छा आप आ अच्छा रही है जब शनिदेव जब भी गुरुदेव ये एक रूल है आ, जब कभी गुरुदेव शनि देव का राउंड क्रॉस करते हैं जैसे फर्स्ट राउंड जैसे सेकंड राउंड थर्ड राउंड तो बड़ी बात हो जाती है जब ये क्रॉस करते हैं तो जीवन में बदलाव आते हैं अभी इस चार्ट में नहीं दिख रहा इनके लेकिन इनके ऑरिजनल चार्ट जब हम लगाएंगे तो उसमें देखेंगे देव इनके जन्म के समय में 21 डिग्री के थे तो अब हमारे को आपने सबने पढ़ा है अगर 21 डिग्री के देव थे तो तीस साल शनिदेव ने चलना 21 तो इक्कीस तो खत्म हो गए बच्चे तो नौ ठीक है तो नौ साल बच्चे थे नौ साल तीस का एक राउंड है थर्टी नाइन ईयर्स हो गए दो हजार सत्रह का इनका जन्म है दो हजार सत्रह के जन्म से थर्टी नाइन ईयर्स अगर उसमें हम ऐड कर देते तो कितना आएगा चालीस ऐड क्या तो सत्तावन uh, एक गया तो छप्पन छप उन्नीस सौ छप्पन का समय करीब करीब आएगा मोटा बाटी इज दैट राइट और रॉन्ग हाँ नाम है जी कृपया जवाब दे राइट right. अगर ये ये 1956 में इनका योग बनने शुरू हो गए थे और जब गुरु जब गुरुदेव ने शनि देव का सेकेंड राउंड पूरा क्रॉस किया उस समय पे गुरुदेव कैप्रिकॉन में प्रोग्रेशन में आए और शनिदेव में प्रोग्रेशन में आए 1966 में जब ये दोनों प्रोग्रेशन में नहीं, आए कैप्रिकॉन और सेगिटेरियस में और इनके नेटर चार्ट पे इसको रख दे अगर हम इनके नेटर चार्ट पे रख दें इसके इनके हम तो इसको ऐसे रखेंगे किस इस, इस प्रकार से आ, हम यहाँ पे ट्रांजिट के शनिदेव गुरुदेव रख देते हैं सॉरी प्रोग्रेशन के और यहां पे प्रोग्रेशन के शनिदेव रख देते हैं जब ये आए, और यहां पे भी रख देते हैं यहाँ पे ट्रां प्रोग्रेशन के गुरुदेव रख देते हैं यहाँ पे और शनिदेव रख देते हैं यहाँ पे अगर अब आप देखेंगे इस, इस बात को आप देखें शनिदेव और गुरुदेव का इकट्ठा सीधा सीधा संबंध बना डी वन चार्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे ना पहले तो डी वन चार्ट में भी आपको दिखेगा डी वन चार्ट में सूर्य और शनि का सीधा सीधा कनेक्ट है सूर्य और गुरु का सीधा सीधा कनेक्ट है देखो इनके चार्ट में महत्वपूर्ण योग पहले बना हुआ है इनके चार्ट में भी ये चीज देखिएगा आप यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो शनि से पीछे जाएंगे तो पीछे से सूर्य देव से कनेक्ट बना सूर्य और ये कनेक्टेड ऑलरेडी है योग इनके डी वन दोनों में है तीन सरकारी पोजिशन ली हमने हाई प्रोफाइल उच्चतम कोड़ी की तीनों में डी वन डी नाइन हमें मिला और जब प्रोग्रेशन में इनके गए जब प्रोग्रेशन में इनके गए ये हमने देखा यहाँ पे गुरुदेव शनिदेव का करंट बना और यहाँ पे भी शनिदेव और गुरुदेव का करंट बना आपस में क्यों ये जुपिटर जो है ट्रांसिट पीछे भी आएंगे पीछे जाएंगे तो ये अपोजिट साइन में आएंगे इनके यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये दोनों इन्हीं के ऊपर हैं एक अपोजिट साइन में है ये दो तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे था इन तीन चार्ट के माध्यम से हाई पोजिशंस को देखने के लिए कि जीवन में एक उच्च कोटि की घटना किस समय में घट पा रही है डी वन डी नाइन के चार्ट में प्रोमिस अवेलेबल हैं और उस पर अगर आप ट्रांसिट लगाते हैं इंपॉर्टेंट अगर सरकार से कनेक्ट करके घटना देख रहे हैं हम तो गुरु शनि और सूर्य इन तीन की मजबूती D1 में D9 में अच्छी हो वो आपको मिलती है साथ में ट्रांसिट के अंदर या प्रोग्रेशन के माध्यम से प्रोग्रेशन सेकंड प्रोग्रेशन आमतौर पे दो ची टाइम पे आपको प्रोग्रेशन पे कनेक्ट मिलेगा पहला प्रोग्रेशन कनेक्ट होने के बाद मिलेगा शनि शनि का पुग्रे, पहला प्रोग्रेशन अगर बड़ा फुल प्रोग्रेशन थर्टी इयर्स का आता है अगर शनि का थर्टी इयर्स का प्रोग्रेशन फर्स्ट नहीं आ रहा फुल प्रोग्रेशन शॉर्ट प्रोग्रेशन आ रहा है तो सेकंड प्रोग्रेशन के बाद मिलेगा शनिदेव का तो उस समय पे आपको ये घटना प्राप्त होगी इट मेक्स सेंस